top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Digitalization के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले चार साल में हम लोग काम कर रहे थे और पिछले चार साल में आपने देखा कि कई समिट्स माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, आगरा में समिट हुई, आगरा में कई हुई, लखनऊ में भी कई सक्सेस आए। तो प्रयास यही हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे नए प्लांट्स लगे, नए उद्योग लगे, लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी और GDP में भी बढ़ोतरी होगी। तो लगातार कोशिश चल रही है, प्रयास कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जितना हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ा है पिछले चार सालों में, कोशिश यही है कि आगे भी यही ग्रोथ हम लोग को मिलती रहे। और आज मुझे बताने में ये भी खुशी है कि अभी पिछले दिनों एसोचैम की एक बैठक हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ इसलिए कि आज प्रदेश की जो पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसी है, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोशिश यही है कि और GDP आज हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश में। UP बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। मेक इन यूपी को सफल बनाने के लिए अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि आप लोग जब तक अपने को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो हम लोग उत्तर प्रदेश को, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप लोग उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट्स लगाइए, मैन्युफैक्चर करिए, और जो भी सहूलतें चाहिए, जो भी आपको सरकार से जो भी आपको मदद चाहिए, सरकार आपकी मदद करने के लिए खड़ी हुई है। उसमें बहुत सारे कानपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी। आज जिनके प्लांट्स बाहर चल रहे हैं, कन्नौज के अभी एक एक्सपोर्टर आए हुए हैं हमारे जैन जी, उन्होंने उनसे अभी सुबह बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट जो उत्तर प्रदेश से बाहर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अपने प्लांट्स को उत्तर प्रदेश में लेकर आएँ, यहाँ मैन्युफैक्चर करें, और मेक इन यूपी के सपने को जब तक हम साकार नहीं करेंगे, मेक इन इंडिया का सपना साकार नहीं होगा। पॉलिसी हम लोग लेकर आए हैं जिसमें हमने हर जगह, हमने किसी से कोई सरकार में किसी से कोई भेदभाव करती है, MSME पॉलिसी में सबको मौका दिया जा रहा है, चाहे वो बुंदेलखंड से आ रहे हों, चाहे पूर्वांचल से आ रहे हों, चाहे मध्य से आ रहे हों, और चाहे पश्चिम से आ रहे हों। हमने जो पॉलिसी बनाई है उसमें हम लोग ने कहा है कि इंडस्ट्री, जो भी लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ये चीज़ें सब्सिडीज़ हैं, ये मदद है जो सरकार आपको करने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़िए, आप बुंदेलखंड में आइए, सरकार और सब्सिडी देगी, सिर्फ एक्सपोर्ट में ही नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रीज में भी नहीं। अगर बुंदेलखंड में कोई आता है तो बहुत सारी चीज़ें सरकार रियायती तौर पे इंडस्ट्रीज को दे रही है। तो हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ पश्चिम में नहीं, पूर्वांचल में भी हो, बुंदेलखंड में भी हो, मध्य में भी हो, और हर जगह से इंडस्ट्रीज निकल कर रहे हैं।